सब्सक्राइब कीजिए कूलटेक चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को रोजाना ऑनलाइन मनी सेविंग टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू कूलटेक अगेन। तो गाइस, एक बहुत ही सिंपल वीडियो में फिर से एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को अच्छा लगेगा ये वीडियो। तो फ्लिपकार्ट से रिलेटेड ये वीडियो है, जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि ईएमआई पर आप प्रोडक्ट को ले सकते हैं, आप डेबिट कार्ड पर भी। तो सबसे पहले तो एक कन्फ्यूज़न आप लोग की दूर कर देता हूँ, तो कि आप लोग को हो सकता लगेगा कि पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने कार्डलेस क्रेडिट के बारे में बताया था, तो ये डिफरेंट है। वो कार्डलेस क्रेडिट दूसरी चीज़ थी और ईएमआई जो डेबिट कार्ड पर है ये डिफरेंट चीज़ है। बट हाँ, इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि इसमें मैं फुल डिटेल में सारी चीज़ें नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि इसमें भी यही प्रॉब्लम है कि सारे लोगों को ये अभी नहीं मिल रहा है, अभी सेलेक्टेड कस्टमर्स को ही दिया जा रहा है। तो अभी मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ, मैं कार्डलेस क्रेडिट के लिए था, तो मैंने उसके बारे में सारी चीज़ें अंदर जाके आपको दिखा दी थी। और इस वाले ऑफर के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ, मिस ईएमआई जो डेबिट कार्ड है उसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ज़रूर देखिएगा, आप एलिजिबल हैं या नहीं उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। बाकी और भी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कंडीशन है, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कैसे आप पता करेंगे आप एलिजिबल हैं या नहीं, वो चीज़ें इसके बारे में आपको सारी चीज़ें डिटेल में पता चल जाएंगी। और भी जो होगा सब बता दूंगा आपको। तो आप पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हैं तो आप इस तरह की जो भी चीज़ें नई होती हैं, जो लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं, वो आप लोग को पता चल जाती हैं। मैं बता देता हूँ, ऑफर से रिलेटेड वीडियोज़ और भी कई सारी डिफरेंट वीडियोज़ आपको मिल जाते हैं इस चैनल पर। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे काम की बात पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप जो ही फ्लिपकार्ट अपना ओपन करेंगे तो आपको ऐसे स्पेसिफिकली मुझे नहीं पता ये ऑप्शन ये कहाँ पे देंगे, बट अभी जैसे कि अभी सेल भी स्टार्ट आज हो गई रात को 12 बजे, तो फिर यहाँ पे फ्लिपकार्ट में जब मैं नीचे गया तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है ईएमआई नाउ ऑन डेबिट कार्ड, तो इस पर क्लिक कर दिया मैंने। तो इसके बाद आपको जैसा कि मैंने बोला कि आप इसके लिए एलिजिबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो इसके लिए आपको दो तरीके हैं इसको पता करने के। पहला तरीका ये है कि आप मैसेज भेज के इसको पता कर सकते हैं। आपको सेंड करना है DCEMI, यहाँ पे देखिए आपको लिखा दिख रहा होगा DCEMI, और इसको भेज देना है 57575 पर। तो इसको आप उस नंबर से भेजिएगा जो नंबर आपका बैंक में रजिस्टर है उस नंबर से, क्योंकि अभी वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी आपकी इसकी सारी कंडीशंस जब पढ़ेंगे तो आपको कंडीशन से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि जो नंबर बैंक में रजिस्टर है उसी से क्यों भेजना है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये जो मैसेज था ये मैंने सेंड किया, मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने सेंड किया जब मैंने इसको देखा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए मेरे जो दो नंबर थे, मैंने दोनों नंबरों से इसको सेंड किया था, और दोनों नंबरों से यहाँ पे देखिए आपको DCEMI मैंने जो प्राइमरी मेरा जो नंबर है उससे भी सेंड किया था, और एक जियो का नंबर है जो दोनों से सेंड किया था। तो उसके बाद जो मैसेज मेरे पास आया, देखिए वो मैसेज मेरे पास ये आया फ्लिपकार्ट की तरफ से, दोनों अलग अलग नंबरों का अलग अलग मैसेज आया, सॉरी यू आर करंटली नॉट एलिजिबल टू अवेल EMI ऑन डेबिट कार्ड शॉपिंग ऑन फ्लिपकार्ट, और सेम यही मैसेज जो दूसरा आया वो भी। तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ, इसीलिए मैं अभी सारी चीज़ें बता नहीं पाऊँगा आपको अंदर जाके, बट फिर भी लगभग आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको क्या करना है। तो आप ये मैसेज भेज दीजिएगा सिंपली, तो आपको पता चल जाएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो। अगर आप एलिजिबल नहीं, मीन्स अगर आप ये मैसेज भेज देते हैं उसके बाद भी आपको अगर मन में कन्फ्यूज़न है कि शायद आप एलिजिबल हों, तो आपको करना क्या है, आप प्रोडक्ट के पेज पे जाइएगा, जिस भी प्रोडक्ट पेज को आप जा रहे हैं ख़रीदने के लिए। मेनली आपको शायद ये इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही मिलेगा और ज़्यादा जगहों पर आपको नहीं मिलेगा, इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं। तो आप वहाँ पर जब जाएंगे तो जैसे कि आप अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे मोबाइल फ़ोन जैसे जाते हैं, यहाँ पे एक फ़ोन मैं परचेस करने जाता हूँ, और यहाँ पे सैमसंग का जैसे गैलेक्सी 8 यहाँ पर मैं ऑन 8 यहाँ पे परचेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो यहाँ पर आपको यहाँ पे इजी पेमेंट ऑप्शंस दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे देखिए मेरे में कार्डलेस क्रेडिट का ऑप्शन है, और आपके में अभी हो सकता है ये हो या हो सकता नहीं भी हो। तो यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाएगा डेबिट का, ईएमआई ऑन डेबिट कार्ड। तो यहाँ पर भी देखिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे ऑप्शन ये नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन आपको नया यहाँ पर दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ मेंशन भी की हुई है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है, अगर आपको छोटा सा है अभी आपको स्क्रीन पर शायद ना दिख रहा हो, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं दिख रहा है, और ये बड़ा नहीं हो रहा है इसलिए इसको मैं बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये बड़ा भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये सेम चीज़ इन्होंने लिखी है कि आपको जो है डेबिट कार्ड ईएमआई अवेलेबल, ये मैसेज आपको यहाँ पर देखने लगेगा प्रोडक्ट पेज पे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट पेज पे जाना है, यहाँ पर डिटेल में भी लिखा है स्टेप्स टू अवेल डेबिट कार्ड ईएमआई, यहाँ पर लिखना है पेमेंट पेज पे जाना है, सेम ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है डेबिट कार्ड ईएमआई एज ए पेमेंट ऑप्शन, और आपको जो टेन्योर है, जो जैसे जनरली आप ईएमआई पे कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं क्रेडिट कार्ड से, सेम वही चीज़ आपको करना है यहाँ पे। यहाँ पे OTP वगैरह देने के बाद आपका कंफर्म कर देंगे, आपकी पेमेंट हो जाएगी। अब इसके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में चले जाते हैं, जो कन्फ्यूजन्स आपके मन में होंगी वो यहाँ के क्वेश्चंस से क्लियर हो जाएंगे। तो व्हाट इज़ डेबिट कार्ड ईएमआई, ये डेबिट कार्ड ईएमआई क्या है ये मैंने आपको बता ही दिया, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड पे
कोई परचेस करते थे किसी प्रोडक्ट को, ईएमआई पर उसी तरह से आप अपने डेबिट कार्ड पर परचेस कर सकते हैं। और अगर इसमें लिखा है कि आपको कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं, ये भी मैंने आपको बता दिया पीछे कि आप मैसेज भेज के भी पता कर सकते हैं या प्रोडक्ट पेज के भी जाके पता कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखा है कि कैसे ये ईएमआई वर्क, जो डेबिट कार्ड ईएमआई है वो कैसे वर्क करता है। तो आपको एक चीज़ ये इसमें लिखा है कि ये जो डेबिट कार्ड जो है आपका, वो आपका जो बैंक है वो अपने आप प्री अप्रूव्ड आपको कर देगा इसके बारे में, और वो इसीलिए आपको मैसेज भेजने से पता चलेगा कि बैंक ने आपको अप्रूव किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पर आपको ईएमआई पर सेलेक्ट, ईएमआई को सेलेक्ट कर लेना है, और आपका जो जो टोटल पेमेंट होगी वो लगभग 3 से 4 से 7 दिनों में वो ईएमआई में आपका मींस कन्वर्ट कर देगा बैंक ऑटोमेटिकली उसको। तो इसके लिए आपको कोई डाउन पेमेंट नहीं देना, ये भी मैं बता देता हूँ। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और क्वेश्चन है कि किस बैंक के लिए अभी आप एलिजिबल हैं। सारे बैंक्स यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पर आपको एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और ICICI बैंक अभी आपको मिलेगा, अभी आपको सब में नहीं मिलेगा। इसके बाद है कि क्या मुझे कोई मिनिमम अकाउंट अपने बैंक में रखना पड़ेगा। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको मिनिमम बैंक अकाउंट में कोई पैसा रखने की ज़रूरत नहीं है। बट जिस भी ड्यूरेशन में आपका पैसा कटने वाला होगा, सपोज़ आपका 10 अगस्त या 12 अगस्त को पैसा कटने के ड्यूरेशन है, तो उससे एक दो दिन पहले आपको अपने अकाउंट में पैसा मेंटेन कर लेना है, तभी वो पैसा वो ऑटोमेटिकली उससे कट जाएगा। अब जो है इसमें क्राइटेरिया की बात आ रही है कि किस तरह के जो कस्टमर्स हैं, वो तो ऑटोमेटिक आप बैंक जो है वही चूज़ करेगा आपको, वो आप मैसेज देख भेज के चेक कर लीजिएगा। बट इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो मिनिमम कार्ड वैल्यू है वो 8,000 रुपये होनी चाहिए, 8,000 से नीचे नहीं होगी। और 10 अगर आपके पास HDFC के आप कस्टमर हैं तो वो ये 10,000 रुपये इसकी वैल्यू होनी चाहिए। अब इसमें एक चीज़ और आ जाती है कि वही सेम चीज़ जो कार्डलेस क्रेडिट मैंने आप लोग को बताया था कि अगर आप EMI पे कोई प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं तो क्या उसके एक साथ हम उसको पैसा दे सकते हैं, या फिर पैसा एक साथ पे करने के बाद क्या उसको EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल अलाउ नहीं है, जिस भी मोड से आप पेमेंट करेंगे सेम वही चीज़ रहेगी। EMI है तो फिर EMI में आपको पैसा देना पड़ेगा, फुल पेमेंट की है तो फिर आप उसको EMI में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद सेम वही चीज़ जो कि क्या आपको कोई डाउन पेमेंट देना है, तो कोई आपको डाउन पेमेंट इसके लिए नहीं देना है। और प्रोसेसिंग फ़ीस क्या मुझे कोई देनी पड़ेगी, तो कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। और इसमें जो मिनिमम और मैक्सिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू मीन्स, जैसे कि क्रेडिट कार्ड में एक मिनिमम मैक्सिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू होती है, वो क्या होगा, तो ये इसमें लिखा है कि ये बैंक टू बैंक ये डिफर करेगा। मीन्स आप जितना ट्रांजेक्शन करते हैं उस हिसाब से, जैसे कि क्रेडिट कार्ड में भी आपको वैल्यू दी जाती है 10,000, 20,000, 30,000 की, उसी तरह से ये बैंक टू बैंक डिफर करेगा। अलग अलग बैंक्स का अलग अलग ऑप्शन होगा। और जो है यहाँ पे फोर क्लोजर के लिए दिखाया है कि क्या इसमें एक चीज़ ये अच्छी दिख रही है मुझे, शायद मैंने आपको पहले बोला था कि अभी कुछ देर पहले मैंने बोला कि शायद आप इसको प्री क्लोजर नहीं कर सकते हैं, मुझे भी ज़्यादा अभी मैं भी अभी आपके सामने कंडीशंस पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा है कैन आई फोर क्लोज माई EMI विद डेबिट कार्ड EMI पेमेंट मोड, तो लिखा येस यू कैन बाय कॉन्टेक्टिंग योर बैंक। तो आपको अगर आप कोई EMI पे कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका फोर क्लोजर आप पहले भी उसको बंद कर सकते हैं उसको सारी पेमेंट देने के बाद, बट उसके लिए आपको बैंक में आपको अपना जो बैंक होगा उससे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद जो है क्या मैं अगर ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा तो क्या मुझे पूरा पैसा मिल जाएगा, तो लिखा है यस यू विल गेट योर कंप्लीट रिफंड। तो ये सारे जो क्वेश्चंस आपके मन में होंगे, सारे क्वेश्चंस इससे आपके पूरे हो गए होंगे। अब आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि यार मैं उसको करके नहीं दिखा रहा हूँ, कई लोगों को कई बार ये प्रॉब्लम होती है मुझसे कहते हैं, बट जो चीज़ें मेरे में, क्योंकि ये ऑप्शन मेरे में है नहीं, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोल दिया, जो मेरे में होती हैं वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखिए कार्डलेस क्रेडिट की भी मैं बात करूँ तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था या कुछ लोगों को लग रहा था कि मैंने गलत वीडियो बना दिया है और मैं झूठ बोल रहा हूँ ऐसा कुछ, तो मैंने उनको ये चीज़ बोली थी कि भाई देखो फेक वीडियो क्या, मैं ये एप्लीकेशन तो मैं फेक डिज़ाइन नहीं कर रहा, मैं आपके सामने यहाँ गया, ये एप्लीकेशन फ्लिपकार्ट का आपको दिख रहा है और मैंने आज को ओपन कर दिया, इतना ज़्यादा फेक करने के लिए मैं एप्लीकेशन कहाँ से फेक डिज़ाइन कर लूँगा। अब देखिए मैं आपके सामने फिर से मैं यहाँ पे जाता हूँ, आपको कार्डलेस क्रेडिट के बारे में भी बता देता हूँ। देखिए ये माय अकाउंट आपको दिख रहा होगा, मैं माय अकाउंट में आपके सामने चला जाता हूँ, लाइव वीडियो है कहीं मैं वीडियो पॉज भी नहीं कर रहा हूँ, ये आपने देखा होगा। ये देखिए कार्डलेस क्रेडिट का ऑप्शन 40,000 रुपये का मुझे है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था कि 40,000 रुपये का मुझे मिला है, और डेबिट कार्ड वाला मुझे नहीं मिला, ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। अब देखिए मैंने उससे रेडमी नोट 5 प्रो बुक भी किया था और मैंने उसको 25 जुलाई को परचेज़ किया, मैंने उसकी पेमेंट 28 जुलाई को पूरी कर दी थी, वापस मुझे 40,000 की वैल्यू मुझे मिल गई है। तो बहुत लोगों में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उनको लग रहा है कि यार कुछ लोग कहते हैं यार तुम गलत बोल रहे हो, तो ऐसा नहीं है, इन्होंने खुद भी फ्रिक्वेंटली आर्ट क्वेश्चंस में लिखा है कि यहाँ पे। अभी देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसके बारे में भी, अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको देख लीजिएगा, मैं आपको कोशिश करता हूँ मैं दिखा देता हूँ, जहाँ इन्होंने लिखा है कि अभी सबको देने की कोशिश की जा रही है और अभी सबको लेकिन मिला नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ अभी यहाँ पे कहीं आपको दिख जाए तो,
देखिए यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा, आई डोंट सी एनी ऑप्शन टू यूज़ कार्डलेस क्रेडिट ऑप्शन वाइल माई फ्रेंड्स एंड फैमिली कैन, मीन्स मैं कोई ऐसा कार्डलेस क्रेडिट का ऑप्शन अपने अकाउंट में नहीं देख पा रहा हूँ, बट मेरे फ्रेंड या फिर फैमिली मेम्बर को ये ऑप्शन दिख रहा है, तो मैं कैसे अप्लाई करूँ इसके लिए? तो लिखा है, देखिए क्या लिखा है, एट द मोमेंट कार्डलेस क्रेडिट एज ए पेमेंट इज़ अवेलेबल फॉर फ्यू कस्टमर्स, अभी सिर्फ कुछ कस्टमर्स के लिए ही है, एंड वी आर वर्किंग विद द फाइनेंस पार्टनर्स टू एक्सपेंड दिस टू ऑल कस्टमर्स, हम इसको अपने फाइनेंस जो पार्टनर्स हैं उनसे मिलके इसको सारे कस्टमर्स के लिए अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये यार भाई आप लोग ये समझ लीजिए कि फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, और कोशिश करता हूँ फेक थंबनेल भी बिल्कुल ना बनाऊँ आप लोगों को, कि मिर्च मसाला लगा के थंबनेल बना लूँ और अंदर जाके बेवकूफ़ बना दूँ, ऐसा कुछ कोशिश नहीं करता हूँ कि ऐसा कुछ भी हो, ये बिल्कुल रियल वीडियो था। 40,000 की मुझे लिमिट मिली है, मैंने जिस दिन मिली मैंने उसी दिन वीडियो आपको बना दिया था और आप लोग को बता दिया था। तो ये हो गया कार्डलेस क्रेडिट के बारे में, तो ये तो पुराने वीडियो की बात हो गई। तो आज मैंने आप लोग को बताया कि EMI जो है वो EMI पे आप डेबिट कार्ड से भी किसी प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं, उसकी सारी कंडीशंस भी बता दी, मुझे अभी नहीं मिला इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया कि वो ऑप्शन मेरे में क्योंकि नहीं था, बट फिर भी सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी आई थिंक। अब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए ऑफर या किसी नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।